कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इंदौर शहर में फिर से स्वास्थ्य सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके लिए अभय प्रशाल में स्वास्थ्य कर्मी व आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण कार्यशाला मंगलवार को रखी गई। स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने इंदौर शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए फिर से स्वास्थ्य सर्वे घर घर जाकर कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी इंदौर में हुआ। जमीन पर आने वाली कठिनाइयों को अधिकारियों ने दूर करने के निर्देश दिए। वहीं अलग अलग जगह पर आने वाली दिक्कतों के लिए जवाबदारी भी तय की गई। क्योंकि शहर खुल गया है और हम लोगों को ये लगा, माननीय जो नए कमिश्नर साहब भी अपने पवन शर्मा सर ने पूरा रिव्यू किया था और सुलेमान सर भी जब आए थे तो उन्होंने भी पूरा रिव्यू करके बोला था कि ऐप को रीडिज़ाइन करके और इसको बारीकी से सर्वे हम लोग करने वाले हैं। उसी का ऐप पूरा रीडिज़ाइन हुआ है और हम लोगों ने आंगनवाड़ी की यूनिट बनाए हैं और आशा कार्यकर्ता के एरियों का या स्कूल के टीचर्स का जो एरिया है उनको यूनिट बनाया है। क्योंकि अभी सर्वे के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी चलनी होगी। अभी तक हम लोगों ने सभी प्रकार के नीचे के कर्मचारियों को लगा के दूसरे क्षेत्रों में भी डिप्लॉय कर दिया था, किंतु अब आंगनवाड़ी भी चलेंगी धीरे से और आशा कार्यकर्ताओं के कार्य वो भी रहेंगे, टीचर्स भी जब भी स्कूल खोलेंगे पढ़ाएंगे। तो क्योंकि ये सर्वे 2-3 महीने चलेगा, ये तो ऐप को रीडिज़ाइन करके इसमें मॉनिटरिंग टूल्स नए डाल के ताकि हर कार्यकर्ता हर कर्मचारी क्या काम कर रहा है, कितने घरों का सर्वे करना था उसको, किस प्रकार का सर्वे किया उसने और उसके फॉलोअप कितने फ्रिक्वेंसी में किया, जो वो सब का कंट्रोलिंग करके एक ऐप हम लोगों ने रीडिज़ाइन करके उसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने बुलाई थी। एरिया भी पहले जो सर्वे में लगे थे सबका एरिया भी इसमें चेंज किया गया है। जहाँ ये कार्यरत हैं उसी क्षेत्र को हम लोगों ने यूनिट बनाया है। इस सर्वे कल से शुरू होगा। ये इसमें हम लोगों को हर घर के हर मेंबर की जानकारी डिटेल में मालूम इसमें भरनी अनिवार्य रहेगी। हर 6 से 7 दिन में, अगर मंडे को इस घर में किसी घर में गया है तो अगले मंडे को अनिवार्यता उसको जाना है सर्वे करने के लिए। औसत ये रखा है कि प्रत्येक टीम 50 परिवारों का डेली फॉलोअप कर ले, उनका सर्वे कर ले या देख ले उनके स्वास्थ्य कैसा है घर में। और डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग थी, डॉक्टर्स भी इसमें बैठे हुए थे जो सर्विलेंस डॉक्टर्स हैं। कहीं भी अगर टिक करने में कोई ऐसा आता है कि सारी का प्रकरण है या आईलाई का प्रकरण है, मतलब सांस लेने में तकलीफ है या कोविड टाइप सिम्टम्स हैं, तो उसमें डॉक्टर्स को ट्रेन किया हुआ है, ऐप के माध्यम से इमीडिएटली उनकी सैम्पलिंग होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा या उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोटोकॉल हमने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये अभी आज एक ट्रेनिंग है, अभी दोपहर के बाद फिर एक ट्रेनिंग है, कल भी एक ट्रेनिंग है आशा कार्यकर्ताओं की। इसके बाद ये हमारी टीम्स कल से वर्क करना शुरू कर देंगे पूरे शहर में। इसके बाद ग्रामीण को भी 100% मैप करेंगे। अभी भी ग्रामीण 100% मैप था हम लोगों का। ग्रामीण को भी आंगनवाड़ी केंद्रवारी करके ट्रेनिंग दे करके उसके भी सभी जितने घर हैं, आबादी हैं हमारी, सभी घरों को हम लोग मॉनिटरिंग में रखेंगे। तो ये बेसिकली जो शहर खुलने के बाद का जो हम लोग को प्रिकॉशंस लेने हैं, उस प्रिकॉशन के तहत हम लोग ये काफ़ी डीप और इंटेंसिव हम लोग सर्वे अब लगातार 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे सभी घरों को।